नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट जर्नी में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया लिमिटेड की। तो आपको बता दें, 31 जनवरी 2023 को यहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी, रिजल्ट अनाउंस किया गया और साथ ही साथ आपको डिविडेंड का अमाउंट भी घोषित कर दिया गया है। तो अभी 225 के आसपास कामकाज कर रहा है, डिविडेंड रेट लगभग 7.5% का है और यही अगर पिछले साल की बात करें तो आपको 3 बार डिविडेंड 5 रुपए का, 3 रुपए का और 15 रुपए का लास्ट आपको नवंबर में दिया गया था। तो आगे चल के हम बात करेंगे कि लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया था वहां पे मैंने आपको बताया था कि कहाँ पे आपको बाई करके चलना है, कहाँ पे सेल करना है। तो सबसे पहले लेटर में चलेंगे, देख लेंगे कि कितने अमाउंट का हमें डिविडेंड घोषित किया गया है, रिकॉर्ड डेट क्या है वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे। तो आपको 31 जनवरी 2023 का ये लेटर जो आपको एक्सचेंज को नोटिफाई किया गया है, इनकी तरफ से बताया गया कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए ये 5.25 रुपए का पर इक्विटी शेयर पे आपको डिविडेंड की घोषणा हुई है। तो 8 फरवरी 2023 की आपकी रिकॉर्ड डेट है, 6 फरवरी 2023 का दिन है जहां लास्ट डेट तक आप परचेस कर सकते हैं अगर आपका व्यू है डिविडेंड लेने का। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पेमेंट की बात कही गई है कि 2 मार्च 2023 या उससे पहले तक आपको यहाँ पे इस डिविडेंड का आपको पेमेंट भी कर दिया जाएगा। तो लास्ट टाइम बताया था कि आपको 210 से सपोर्ट पे आपको बाई करना और 228-30 मैंने बोला था एग्जैक्टली, यहाँ पे आके आपको ये देखिए आपको यहाँ पे करेक्शन भी आते हुए दिखाया। तो जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया है, इस बार नए फ्रेश बाई करना चाह रहे हैं जो लोग, उनके लिए कैसे कामकाज करना है वो हम आगे बात कर लेते हैं। तो अभी करना क्या है कि इसको अभी 225 के आसपास कामकाज कर रहा है, ऊपर की तरफ वही 230 का आपको रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो इसको 1-2 दिन आप इसको जाने देंगे, बजट भी है, उसके बाद आप देखेंगे कि अगर 230 के ऊपर अगर ये कामकाज कर रहा होगा तो आप ऊपर की तरफ बैठेंगे, अदरवाइज इसको जाने देंगे, नीचे की तरफ ये आपको 210 के आसपास वापस आपको मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको कल का डे और परसों का डे छोड़ के ही आपको बाई करनी है, देखते हुए कि आपको किस तरफ ये लेवल पे जा रहा है। अगर 230 तोड़ के अगर काम करेगा तो आप 240 और 255 तक के टारगेट के लिए बैठेंगे, अदरवाइज ये नीचे आपको 210 का लेवल अगर टेस्ट करता है वहां से अगर बाउंस बैक लेता है तभी बैठे, अदरवाइज इसको जाने दे जिस भी डायरेक्शन में जा रहा हो। तो इन दोनों लेवल के अलावा कोई और लेवल पे आप सिर्फ डिविडेंड को अगर प्ले भी करना चाहते हैं तो ऐसा प्ले ना करें कि आपका खुद का अमाउंट वहां पे आपको डिविडेंड के साथ चला जाए। तो प्रॉफिट लेना है तो आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके ही एंट्री लें, अदरवाइज इस डिविडेंड को आप आने अगर पिछले वीडियो देखते हुए अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है तो आप आराम से बैठे, क्योंकि आपको मैंने उस वक्त भी 213 रुपए के आसपास में बताया था, 230 पे आपने ऑलरेडी बुक किया है तो आपको ऑलरेडी डिविडेंड के अमाउंट के ऊपर में आपको भाव मिल चुका है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक कर दे, अगर मेरे चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर और भी कोई आपको स्टॉक पे अगर कोई कमेंट चाहिए तो किसी भी वीडियो में आप वहाँ कमेंट बॉक्स में आप जाके कमेंट कर दें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।